हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले रिसर्च एप्टीट्यूड में क्लास 12 और इसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी का उपयोग रिसर्च में कौन कौन से स्टेज में होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं और इससे रिलेटेड आज तक कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, वो सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में एक ही वीडियो में आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं 2012 से लेके अभी तक, वो सभी क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसीनेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी का उपयोग मुख्य रूप से जो रिसर्च है उसमें तीन स्टेज में किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन परी डेटा एनालिसिस और नंबर दो पे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस और नंबर तीन पे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस। यानी कि देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें डेटा गैदर करना पड़ता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है और काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है डेटा के साथ में। सैंपल इकट्ठा करने पड़ते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ता है, बहुत काम होता है। तो देखिए इसमें तीन स्टेज होती है। एक तो डेटा इकट्ठा करने से पहले हम आईसीटी का उपयोग कैसे करेंगे, एक डेटा इकट्ठा करने के बाद जब उसको एनालिसिस कर रहे तो कैसा उपयोग करेंगे और एक डेटा इकट्ठा करने के बाद एनालिसिस करने के बाद में उसका उपयोग कैसे होगा। तो ये तीनों स्टेज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन परी डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करने से पहले क्या हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं ना, और डेटा कलेक्शन में हमारा क्या आएगा, हमारा आ सकता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा उसके अंदर, और उसके साथ साथ में जो हमारे सर्वे है, सर्वे के लिए हमें सैंपल इकट्ठे करने अलग अलग जगह से, तो वो हो सकता है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से होगी, साहित्य खोज यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लेख उपलब्धता। हम देखना चाहते हैं कि जो टॉपिक हमारा है रिसर्च का उस पर अलग लोगों ने कैसे कैसे काम किया है और उन्होंने क्या फाइंडिंग्स निकाली, वो सभी हम देखना चाहते हैं। और थीसिस और शोध प्रबंध उपलब्धता, हमारी जो रिसर्च है उसके ऊपर किन किन ने थीसिस लिख रखी है वो भी हम देखना चाहते हैं इसमें। साहित्य खोज, साहित्य ट्रैकिंग और आंकड़ा संग्रहण। आंकड़ा संग्रहण का मतलब है जैसे सैंपल इकट्ठा हम कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के लिए हम नंबर एक पे जा सकते हैं शोध गंगा। भारत सरकार की ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे हम शोध गंगा पे जाके हमारे टॉपिक से रिलेटेड आज तक जितनी भी थीसिस है, जितने भी रिसर्च पेपर है वो वहाँ पे हमें मिल जाएंगे और हमें एक आइडिया लग जाएगा कि लोगों ने इस टॉपिक पे कैसे काम कर रखा और हमें आगे किस तरह से काम करने की आवश्यकता है। फिर है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे भी हजारों आर्टिकल, हजारों थीसिस, हजारों लेख रिसर्च के आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक रिसर्च, ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, यहाँ पे हम अपनी अलग अलग रिसर्च देख सकते हैं, अलग अलग आर्टिकल देख सकते हैं। फिर एक मोस्ट पॉपुलर नाम आता है मेंडली। ये क्या है, एक अलग से यूनिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर, बड़े बड़े जो प्रोफेसर है वो अपना काम यहाँ पे शेयर करते हैं और उसको हम देख सकते हैं उन्होंने कैसा काम किया हुआ है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों SSRN, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ स्कॉलर रिसर्च।
ये यहाँ पे भी ऐसा ही है जैसे मेंडली है और गूगल स्कॉलर वगैरह। यहाँ पे हम अपने अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो यहाँ पे अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, थीसिस डाल सकते हैं, अपना जो भी कार्य हुआ है वो हम यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, उस कार्य को अलग लोग जो दूसरे लोग हैं वो उसको देख सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों डेटा संग्रह। डेटा संग्रह के लिए जैसे ऑनलाइन सर्वे करते हैं, सैंपल इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मुख्य रूप से एक है दोस्तों गूगल फॉर्म्स है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए हम गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सर्वे मंकी है और इसके अलावा भी और कई वेबसाइट हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो सबसे ज़्यादा रिसर्च में यूज़ की जाती है वो गूगल फॉर्म्स और सर्वे मंकी का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल फॉर्म्स यूज़ करना बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम आसानी से आंसर दे भी सकते हैं और अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर भी सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस। हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कलेक्ट कर लिया, रिसर्च पेपर कलेक्ट कर लिए, सैंपल इकट्ठा कर लिया, सर्वे कर लिया, उसके बाद में उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कई टूल हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए डेटा एनालिसिस, डेटा हमारा दो तरह का हो सकता है, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक डेटा विश्लेषण के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसमें देखिए जो हमारे आंकड़े हैं, जैसे संख्या में कोई डेटा है, डिजिट्स में कोई डेटा है, तो उसको किस तरह से एनालिसिस करेंगे। इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो है SPSS सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, ये एग्जाम में आ सकती है। स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस इसकी फुल फॉर्म है, आर मोस्ट एडवांस एंड रीच विद ए लॉट ऑफ फीचर एंड फंक्शनलिटीज। इसमें बहुत से फंक्शन दिए हुए हैं, अपने डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें चार्ट बना सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, अपना जो डेटा है उसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी विजुअल्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करें जैसे दोस्तों आर फाउंडेशन फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग ये है, और उसके बाद में मैटलैब द मैथ वर्क्स, जो मैथ की हमारी रिसर्च होती है, मैथ की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए मैटलैब का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो मोस्ट कॉमन यूज जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में तो आप सभी दोस्त जानते हैं, एक्सेल पे हम बहुत सारे जो डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, आसानी से कर लेते हैं, टेबल वेबल बना लेते हैं, उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हमारे रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में SAS है, स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर SAS, इसका इस्तेमाल भी डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। फिर है ग्राफ पैड प्रिज्म, और फिर है मैनी टैब, ये भी हमारे सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे एक ये है दोस्तों अनोवा है, एकाधिक प्रति गति टी परीक्षण और विश्लेषण का, अरे यार ये पता नहीं कुछ है, ये छोड़ो, ये अलग चीज़ें, अनोवा के बारे में हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। ये देखिए फिर है हमारा गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए गुणात्मक क्या होगा, जैसे मान के चलिए किसी की भावनाएं जाननी, हमें किसी का फीलिंग एटीट्यूड बिहेवियर जानना है, तो हमने जो रिसर्च की है, हमने जो डेटा कलेक्शन किया है, उसमें किसी का इंटरव्यू किया है, किसी का सर्वे किया है, उसमें हमने उनके एटीट्यूड जाने, तो उसको हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम NVO का इस्तेमाल करते हैं, और atlas.ito है इसका इस्तेमाल करते हैं, MaxQDA इसका इस्तेमाल करते हैं, और एक है दोस्तों SPSS टेक्स्ट एनालिसिस। ये SPSS टेक्स्ट एनालिसिस हमें ये बताएगा, जैसे मान के चलिए नरेंद्र मोदी कोई भाषण दे रहे और उस भाषण के अंदर उन्होंने COVID-19 शब्द, मान के चलिए एक COVID-19 शब्द इस्तेमाल किया है, एक काला धन का इस्तेमाल किया है, और एक हम डीमोनेटाइजेशन लगा लेते हैं उसका इस्तेमाल किया, तो ये हमें बता देता है कि नरेंद्र मोदी ने COVID-19 का इस्तेमाल अपने भाषण में 20 बार किया है, और जो काला धन है उसका इतनी बार इस्तेमाल किया है, और इसका ये भावार्थ है इस तरीके से, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को इसमें एनालिसिस हम कर सकते हैं।
और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस होने के बाद में हम किस तरह से आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, पूरी रिसर्च होगी हमारी, तो उसमें जो हमने डेटा इकट्ठा किया है, अलग अलग जगह से रेफरेंसेज लिए हैं, अलग अलग डेटा लिया है, अलग अलग लेख लिए हैं, तो उनका रेफरेंस देना जरूरी है, भाई हमने ये चीज़ कहाँ कहाँ से उठाई है। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है रेफरेंसिंग एंड वीडियोग्राफी बनाने में। तो इसके लिए हम तीन तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड नोट यूज कर सकते हैं, जिटेरो यूज कर सकते हैं और मेंडली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई और वेबसाइट भी है हमारी, ऑनलाइन साइट फास्ट के नाम से है, कई तरह की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहां पे हम अपने रेफरेंसेस वहां पे ऑटोमेटिक डाल सकते हैं। वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑथर है ऑथर का नाम डाल दिया, बुक का नेम डाल दिया हमने, पब्लिशर का नेम डाल दिया, किस डेट को पब्लिश हुआ था आर्टिकल वो डाल दिया। उसके बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस में उसको लगा देगा, कहाँ पे डॉट लगाना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे क्या करना है। हमने देखा था ना पहले एपी स्टाइल, एमएलए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, तो वो जिस स्टाइल में हम चाहते हैं, एपी स्टाइल में चाहते हैं, तो एपी स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिक बना के उसको दे देगा। और उसके बाद में दोस्तों जो हमारे लिए जरूरी है वो है प्लेगरिज्म चेकर टूल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं। प्लेगरिज्म जब जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें सबसे पहली बात ये बोली जाती है कि आपकी रिसर्च में प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं से कॉपी नहीं करना है। तो जब भी हम रिसर्च करके लेके जाते हैं तो हमारी प्लेगरिज्म चेक होती है, भाई कितना कॉपी किया है कितना नहीं किया है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है, जो ऑथेंटिक टूल माना जाता है यूनिवर्सिटी में, वो है टर्निटिन माना जाता है। ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट एंड रिसर्चर कैन यूज इट। इसके लिए हमें वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जो रिसर्च स्कॉलर है वो रिसर्च रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोफेसर है उनका ऑलरेडी अकाउंट होता है वहाँ पे। तो यहाँ से एक ऑथेंटिक ये रिपोर्ट हमें देता भाई आपकी रिसर्च में कितनी प्लेगरिज्म है या नहीं है। फिर है प्लेगरिज्म चेकर एक्स है, अवेलेबल इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज, यूज बाय टॉप यूनिवर्सिटी एंड कंपनीज। अब ये देखिए जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस देती है, ये प्लेगरिज्म चेकर एक्स है। उसके बाद में जो मोस्ट पॉपुलर है, जिसका आप ऑनलाइन देखा भी होगा इसका वर्जन, ग्रामरली। ग्रामरली के अंदर काफ़ी तरह के फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे हम जो हमारे ग्रामर है ग्रामर को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कुछ डुप्लीकेट हो रहा है तो उसको चेक कर सकते हैं, प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, अगर कुछ कहीं पे हमारा सेंटेंस गलत हो रहा है तो उसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है और वो हम यूज कर सकते हैं। और फिर है हमारा plagiarism.net, फ्री गूगल स्कॉलर सर्च टूल है, यहाँ पे फ्री में इसका यूज कर सकते हैं। और फिर है प्रो राइटिंग AIDE, ये प्लेगरिज्म एंड ग्रामर एरर कुरेक्शन, ग्रामर एरर कुरेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम इस्तेमाल करते हैं वो टर्निटिन है, ग्रामरली है, और यही है दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। और उसके बाद में देखिए दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, चलो वो चीज़ मैं वैसे क्वेश्चन में बता दूंगा, एक क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में, वो आता है कॉपीराइट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, भाई कॉपीराइट का सिंबल क्या है, कॉपीराइट का यूज़ क्यों किया जाता है, प्लेगरिज्म कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताने वाला हूँ वो चीज़ें। तो आर यू रेडी, करें तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड हम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द स्कोप फॉर एम्प्लॉइंग आईसीटी स्पॉट इज रिलेटिवली मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च। आईसीटी का उपयोग कहाँ रिसर्च की कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये देखिए इसमें हम बात करते हैं, एक तो हम करते हैं डेटा कलेक्शन में करते हैं, डेटा कलेक्शन में और डेटा एनालिसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में और हाइपोथेसिस मेकिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अभी हमने तीन स्टेज पढ़ी थी ना, प्री डेटा एनालिसिस, पोस्ट डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिसिस के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस ये इसके राइट आंसर आ जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों इसमें, ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कौन सी स्टेज में आईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसमें देखते हैं।
जैसे सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए अलग गूगल स्कॉलर, शोध गंगा जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि हमसे पहले किन लोगों ने काम किया हुआ है, तो उनकी स्टडीज़ हम देखते हैं। तो नंबर एक पे ये हो जाएगा सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़। और उसके बाद में हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इंडेक्सिंग द रेफरेंस, रेफरेंस की बात की थी ना पोस्ट डेटा एनालिसिस, उसके बाद में रेफरेंस बिबलियोग्राफी के लिए हम मेंडली का इस्तेमाल करते हैं, जिटेरो का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ होगी। अच्छा एक चीज़ और इसमें हो सकती थी, डेटा कलेक्शन इन द फील्ड, डेटा कलेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑप्शन टू का यहीं पे कोई अच्छा कम्बिनेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा आगे दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर दैट एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटेटिव के लिए दोस्तों एन वीवो का इस्तेमाल किया जाता है, एन वीवो सॉफ्टवेयर। एक मिनट रुकिए, इसमें मैं देखता हूँ एन वीवो के बारे में बात की थी क्या हमने, एन वीवो के बारे में बात नहीं की, ये थोड़ा रह गया होगा। चलो कोई नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। एन वीवो सॉफ्टवेयर है, इसके लिए हम जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है उसका, उसको एनालिसिस करने के लिए हम एन वीवो का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं। ये देखिए, एज पर कॉपीराइट लॉ फेयर यूज अलाउ द लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइट वर्क फॉर। अब देखिए कॉपीराइट कोई मटेरियल है, उसका हम यूज कब कर सकते हैं, किस लिए यूज कर सकते हैं, कमर्शियल यूज के लिए नहीं, एजुकेशनल पर्पज के लिए कर सकते हैं, मेकिंग वीडियो नहीं, मेकिंग पेड ऑनलाइन कोर्सेज नहीं, एजुकेशनल पर्पज के लिए हम कॉपीराइट चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। और उसके बाद में व्हाट डज द सिंबल सीसी सिग्निफाइन, सीसी का मतलब क्या है, ये कॉपीराइट मटेरियल नहीं, कॉपीएबल मटेरियल नहीं, कॉपीराइट कॉमन्स ये देखते हैं, कॉपिंग कॉमन्स नहीं, ये आएगा इसका राइट आंसर कॉपीराइट कॉमन्स, यानी कि इसको हम मतलब यूज कर सकते हैं, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, इसका मतलब ये होता है। और इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये हमें बताना है। टर्निटिन हमने पढ़ा था ना, टर्निटिन का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। और क्या है इसके अंदर, और मैं भी आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए इसमें प्लेगरिज्म के लिए किसका यूज नहीं किया जाता, वो लेटेक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, टर्निटिन का इस्तेमाल किया जाता है, आई थिंक केट का इस्तेमाल किया जाता है और कुंड का इस्तेमाल किया जाता है, ये तीन टूल है हमारे प्लेगरिज्म चेक करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो लेटेक्स है, लेटेक्स के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड हो गया, उसके अंदर हम बनाते हैं, सेम वैसे ही ये काम करता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में हम जैसे ये बात करें दोस्तों, व्हाट इज स्कोपस, स्कोपस क्या है, तो डेटाबेस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन जर्नल, ये यहाँ पे एक ऐसा मतलब टूल है, ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पे हम डेटाबेस है, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट पड़े हैं, यहाँ पे अलग अलग लोगों का काम किया हुआ हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, अगर आप ये देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्टूडेंट कमिट्स लेवल टू प्लेगरिज्म, यानी कि एक स्टूडेंट के काम में लेवल टू की प्लेगरिज्म पाई गई है, तो एज पर यूजीसी रेगुलेशन उसको क्या करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, डेवर्ड फ्रॉम सबमिटिंग ए रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको एक साल के अंदर वो अपनी रिसर्च है दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी प्लेगरिज्म निकाल के, तो ये उसको मतलब प्रावधान उसमें दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए दोस्तों तो आप ये स्टडी नोट्स ले सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। हमने 2012 से लेके अभी तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर अलग अलग किए हुए हैं, जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन रिसर्च के आ चुके वो अलग है, आईसीटी के अलग है,
कम्युनिकेशन के अलग है। इससे आप अपना आसानी से तैयारी कर सकते हैं और पहली बार में अपना नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारी ऐप निमिज नेट जरूर डाउनलोड करना भाई, और कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीस नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।